चलो बाय बाय, हम यार पीछे से। हे गाइस, सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, एंड आई होप आप सब स्वस्थ होंगे। मैं एकदम मस्त हूँ। सुबह भी मैं जस्ट 6 बजे उठा। सो आज कई दिनों बाद 6 बजे उठा, क्योंकि बारात में जाना है राणाकोट, क्योंकि बारात सुबह सुबह निकलेगी एकदम अर्ली मॉर्निंग में, 2-3 घंटे का रास्ता है। सो इसलिए लेट हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग जल्दी से बारात लेके जाएंगे, तो इसलिए जल्दी से अपन भी उठ गया। सो अब जल्दी से मुँह हाथ धो के एकदम मैं नहा के आऊँगा, नहा नहीं तो नहा के आता हूँ, उसके बाद आपको सीधा दिखाता हूँ शादी वाले घर पे। और अभी अपन रेडी हो चुके हैं एकदम मस्त करके। सो उसके बाद नहाया मैं। सो अब चलते जल्दी से ऊपर, और 7 बजे उन्होंने बोला था कि कल सुबह 7 बजे बारात चली जाएगी। सो चलते जल्दी से माला वगैरह लेके। सो चलो। एंड सो गाइस, अभी हम पहुँच चुके हैं बारात वाले घर पे, जहाँ से बारात जाएगी। मीन्स यहाँ पे हम कल शाम को, तो इससे पहला ब्लॉग आपने देखा होगा। अभी यहाँ पर मालाएँ वगैरह डाल रहे हैं, दूल्हे को तैयार कर रहे हैं, और उसके 10-15 मिनट बाद बारात भी यहाँ से निकल जाएगी, क्योंकि काफ़ी दूर जाना है देवप्रयाग से, काफ़ी 30-35 किलोमीटर आगे। सो अभी आप देखेंगे पीछे में, अभी माला वगैरह चल रहा है, और उसके बाद दिखाऊंगा आपको भी बारात वगैरह। और सब लोग यहाँ पे चाय नाश्ता, चाय पकौड़े ले रहे हैं। अरे भाई पकौड़े खा ले। ओए ओए, चल बारात में जा रहा, बारात में जा रहा मेरे साथ, चलो चलो। और रोहित सुबह 4:30 बजे उठ गया था, सबकी नींद आराम कर दी, और 7:30 तक भी तो बारात नहीं गई, क्यों उठा 4:30 बजे सुबह, और नहाए भी नहीं हो। कम खावा बाढ़ उल्टी ना हो संजी। पन्नी साथ में लेके चलना। चलो तुम अपने ससुराल जा रहे हो। हेलो, दोनों का ससुराल एक ही जगह है। चलो बाय बाय, ध्यान देना है, ध्यान देना है।
अरे भाई तो गौर से तो बराती नहीं जान, जब गौर जा जा दीपा फटाफट जा बारात जा चुकी है आगे आगे और मैं पीछे शूट कर रहा था तो पीछे रह गया। सो अभी ऊपर पे गाड़ियां खड़ी हैं, जस्ट थोड़ा सा ही वॉक के लें, बट कीचड़ और भयंकर बहुत ज्यादा। कल सुबह देखना ब्लॉग में। चलो बाय बाय, हम यार पीछे से। हाँ सारे बाराती बसों में बैठ चुके हैं, बस दो चार रह गए बाहर। और आज अच्छी धूप बताई गई है, बट देखते धूप आती ना आती। और वहाँ पे काफ़ी अच्छा मौसम है, वहाँ पे शायद स्नोफॉल भी हुआ है। सो देखते हैं वहाँ पे जाके मिलेगा या नहीं स्नोफॉल, वहीं पे जाकर पता चलेगा, पोपटना बन जाए। इसके लिए हम लड़की ढूंढेंगे वहाँ पे आज मिल जाए, आई होप मिल जाए। तो चलते हम लोग जल्दी से, नहीं तो हमें सीट नहीं मिलेगी, फिर दूर खड़े खड़े जाना पड़ेगा। गाइस अभी हम बैठ चुके हैं गाड़ी में, पहले हम बस में गए थे, बस समय उन्होंने आगे वाली गाड़ी में भेज दिया, तो आगे वाली गाड़ी में जाओ क्योंकि ये भी खाली जाती थी, तो इसी में चले जाओगी। और मैं और रोहित यहाँ पे, हमारे दादाजी और आगे सारे बैठे हैं, यहाँ पे भाभी है और बगल में बहन, ये भी बहन होगी शायद, और सबसे आगे भाई। और अपनी फैमिली ने ना इधर ही बिठा रखी है कि गाड़ी में मस्त करके, और सबसे आगे चल रहा है हमारा पायलट। गाइस अभी फाइनली अभी हम पहुंचे हैं देवप्रयाग में। मेरे को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है, खतरनाक, खाए पिया और सब बारह खाए पिया कुछ नहीं, तभी तो मेरे को उल्टी हो रही है। सुबह दो पकोड़े खाए थे, बस दो पकोड़े का वो भी आलू की पकौड़े हैं, उसके बाद मैंने लिमका पिया कि वॉमिटिंग ना हो, बट फिर भी मेरे को हो ही गया। कई सालों बाद ऐसे राजा को यहाँ पे प्यास लगी, कोल्ड ड्रिंक दे थोड़ा यार। सो संगम रह गया पीछे क्योंकि गाड़ियां चल रही बहुत तेज तेज, उस वजह से मैं दिखा नहीं पाया और मेरी हालत थोड़ा सा डाउन हो गई, वॉमिटिंग हो के। अरे भावा से देख रही ना मेरे को, अगर इतने बच्चे बच्चे बैठे हैं किसी को नहीं उल्टी, मेरे को ही हुई। सो बहुत ज्यादा हालत डाउन हो गई। और अभी फिर से सारी गाड़ियां रुक चुकी है दीपराग के जस्ट थोड़े से आगे, दीपराग की मार्केट में, सॉरी, क्योंकि पहले पीछे रुके थे वहां पे तो कुछ था नहीं दुकानें वगैरह, तो फिर जाके इन्होंने यहाँ पे दोबारा से रोक ली। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उतरा। एंड सो अभी हमें लगी है भूख क्योंकि जो था सारा बाहर निकल गया, तभी समोसा और इसमें है नमकीन और मटर। आ जाए उधर फंड चलिए, जल्दी आ जा रहे, चलते हम लोग और लोग चले गए सारे मेरे उतरा। गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं राणाकोट में, यहाँ से जस्ट जो ये रोड है, गाड़ियाँ यहीं पे पार्क होंगी, उसके बाद सब लोग यहाँ से पैदल जाएंगे
तो पैदल भी काफ़ी है यहाँ से जाने के लिए। मेरे को बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हुई, उसके बाद में छत में बैठ गया, कुछ अब हवा लग गई तो उतना ज़्यादा नहीं हुआ, फिर मतलब हुआ नहीं जब मैं छत में बैठा। हमारे दूल्हे की गाड़ी इतनी मस्त नज़ारा दिखाई दे रहा है यहाँ से। तुमने सामान निकालना यार। सो गाइस, बारात निकल चुकी है रोड से ऊपर और हम लोगों ने शॉर्ट कट लिया, वो लोग लॉन्ग कट लेके आए, टर्न मार के हम लोग शॉर्ट कट से आगे ऊपर, क्योंकि घोड़ा जो है वो आ नहीं सकता था वहाँ से। तो हम लोग, मैं, रोहित, एक दो और, ये हमारे दादा जहाँ दूल्हे की गाड़ी ये लेके आए। सो मेरे को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हुई तो उस वजह से मेरी हालत डाउन हो गई बैंक कर, क्योंकि सुबह कुछ खाए नहीं, दो तीन पकौड़ियाँ खाए बस, खाली पेट। उस वजह से मैं यूज़ थे ज़्यादा, मैंने पकौड़ी खाई नहीं, एक भी ज़्यादा ही होगी फिर। और अभी हमको जाना है थोड़ा सा और ऊपर, जितना ज़्यादा बोल रहे थे उतना ज़्यादा है नहीं। और मैंने सुबह कहा था कि स्नो है यहाँ पे, पोपट हो गया, कुछ भी स्नो नहीं है यहाँ पे, कहीं भी चारों तरफ दिखाई नहीं दे रहा, बट बादल दिखाई दे रहे हर तरफ चारों तरफ। बट ये है कि आज मौसम अच्छा है कल के अकॉर्डिंग, कल तो बहुत ज़्यादा बारिश कीचड़ थी, इससे पहला ब्लॉग आपने देख लिया होगा। सो चलते अभी, नहीं अभी वेट करेंगे थोड़ा सा बारात का, फिर बारात के साथ जाएंगे हम लोग। तो बारात पहुंच चुकी है, सो ये लोग बोल रहे हमारी वीडियो बनाओ, सो मैं सबकी वीडियो रिकॉर्ड करूंगा। चलो चलो अभी और जाना है, सामने पे थोड़ा सा रह गया, आराम से। हाय गाइस, ये हमारा बॉलीवुड, ये हमारा सस्पेक्ट का सामान है। हां चलो फिर लेके चलो, ये हमारा बॉलीवुड है। हाँ ले जाए, तेरे बड़ा ले बक्सा ले जा, मुंडे धरे थे। चलो चलो चलो, बजाते बजा प्राइवेट। और भाई जी मजा आ रहा है, आज तो घोड़े में कल पैदल पैदल चलोगे। और ये दूल्हे के पापा जी एकदम चकाचक, ऐसे लग रहे 22 साल के लौंडे। और ये हमारे बड़े भाई साहब। चलो चलो, आप मैं सबकी वीडियो बना रहा हूँ। ओहो, टोकरा किसके सर में पड़ा आज, और लास्ट में देखते हैं किसके सर में पड़ा है टोकरा फल का आज। ब्लॉकर ब्लॉकर। सबसे लास्ट में आ रहे कैमरे वाले भाई जी, आ रहे हैं पीछे पीछे। तो बस 5 मिनट और उसके बाद बारात पहुंचने वाली, सामने पे जो घर दिख रहा है इसी के पीछे घर। तो सारे बाराती जा चुके हैं आगे, और चाचा को बहुत थकान लगी, कई साल बाद चल रहे पैदल। और चाचा के ससुराल भी यहीं पे है, पर चाचा गए ही नहीं। ये सामने पे ये जहाँ पे पेड़ सिरकोट, सिरकोट, और जहाँ पे अभी हमें ये जगह राणा कोट। सो बहुत सारे घर यहाँ पे अलग अलग जगहों पे।
अभी यहाँ पे हो रहा था सारे बारातियों का इंतजार, तो सब लोग यहाँ पे भी मंडान में नाच रहे थे। तो सब लोग यहाँ पे देखो, कुछ यहाँ पे बैठे और कुछ पीछे आ रहे हैं, तो जो पीछे से आ रहे हैं उनका इंतजार हो रहा है यहाँ पे। और फिर उसके बाद सारी बारात एक साथ जाएगी आगे। जो घर है शादी वाला वो सामने पे है और बारात आ रही यहाँ से पीछे से। चलो चलो चलो, सारे लोग जा चुके हैं और चलते हैं अभी अपन लास्ट में शूट करने के चक्कर में लास्ट में बार बार पीछे छूट जा रहा हूँ। सो चलते जल्दी। और हमें दिख गए यहाँ पे कुछ किन्नू के पेड़ जो कि अब हमारे गांव में नहीं दिखाई देते, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा ठंडा मौसम रहता है वहाँ उसी साइड में ज़्यादा किन्नू आपको दिखाई देंगे। सो देवप्रयाग रुद्रप्रयाग इस साइड में काफ़ी ज़्यादा दिखाई देते हैं। और क्या सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा है, आते ही तोड़ने स्टार्ट कर दिए यार। भाई ऐसे मत करो यार, गलत 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 परिचय आया था गांव का, ठीक है। ये मीरा भंडारी, अगले साल इसकी शादी है। यहाँ पे दूल्हे और दूल्हे के सालों के यहाँ पे आपस में डिवाइड हो रहा है कि इतने पैसे चाहिए हमें। दूल्हे बोला नहीं इतने बहुत है। ये देखो यहाँ पे बहस चल रही है, जीजा जी और दो और दो और दो। तो गाइस अभी सारे लोग यहाँ पे चाय नाश्ता चाय नमकीन जो भी है सब लोग बैठे हैं। अभी हुआ क्या, पिठाई लगने के बाद तो सिगरेट बीड़ी की थाली आई तो मैंने दो सिगरेट निकाली, यहाँ पे सब खड़े थे पापा चाचा ताऊ सब मेरे को देखने लग गए। एंड सो गाइस अभी जा रहे हैं जय माला के लिए। सो उस साइड पे जा रहे हैं, यहाँ से दिखाई दे रहा है स्नो एकदम मस्त वाला गिरा है। सामने पे तो दिखाता हूँ अभी आपको मैं जूम करके जल्दी से। ये दिनेश दादा ये दूल्हे की गाड़ी लेके यही आए, मैंने इससे पहले ही बताया, फिर से हाई कर रहे हैं, अभी बाय करेंगे थोड़ी देर में वापस जाते वक्त। सामने पे हल्का सा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे शायद चौखम्बा पर्वत है। एंड सो गाइस बस थोड़ी देर में होने वाला है जय माला और उसके बाद हम जाएंगे खाना खाने दाल भात। इधर इधर गाइस अभी वरमाला भी हो चुकी है और इधर देखो पीछे सारे खाना खाने के लिए बैठे। सो यहाँ पे दाल भात जो कि हर जगह में ज़्यादातर पहाड़ों में दाल भात आपको मिलता है दिन में लड़कियों की शादी में और बहुत मज़ा आता है। ये पहले से ऐसे ऐसे चलते हुए आ रहा है और जैसे कि बहुत सारे गांव में के लोग स्टैंडर्ड वगैरह रखते हैं, लेकिन ये खाने में ना बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है ऐसे नीचे बैठ के एकदम। और इतना इतने मस्त मस्त वादियाँ देखने को मिल रहे ना, सो चलो अभी दिखाता हूँ मैं आपको।
जैसे कि हमारे घर में शादी थी तो वैसे तो हमारे भी दिन में दाल भात था मस्त करके और उसमें घी भी था। तो उस दिन क्या हो गया, बारिश ने पूरा चौपट किया लेकिन पूरा अच्छे से फिर मैनेज हो ही गया था। और जैसे कि कल देखा आपने कि कल कितनी बारिश थी, बट आज मौसम एकदम साफ, तो इस मौसम ने साथ दिया है, किस्मत है भाई। तो इधर पीछे ना मस्त मस्त पहाड़ दिखाई दे रहा, सामने पे चौखंबा पर्वत भी दिखाई दे रहा है यहाँ से। सभी मैं एक टाइम लैप बना लेता जब तक ये लोग खाना खा रहे हैं। और जब सब लोग ऐसे बैठ के खाते हैं ना, तो जब तक रसोई ने लास्ट तक मतलब बोले नहीं उठने के लिए, तब तक कोई उठता नहीं है, बीच से कोई भी उठ के नहीं जाता है। सो ये होता है एकदम, और पूरा खाना रसोईया ही बनाता है। और जो ये फर्स्ट और जो पंगत बैठी थी सबने खाना खा लिया, तो फिर सबको एक साथ पूछने के बाद कि सब लोगों ने खा लिया, तो सब एक साथ उठते हैं। फिर चलो भाई हमारे बारी है। सो गाइस अभी हम लोग बैठ चुके हैं खाना खाने के लिए। मेरे बगल में रामपाल चाचा और उधर बगल में रोहित और इस साइड पे सुभाष। सभी सब इधर है बीरा भाई, बीरा चाचा सॉरी। सो इधर लंबी पंगत बैठी हुई है। सो जब ऐसे बैठते हैं नीचे तो पंगत बोलते हैं। और भाई जी यहाँ पे पानी लेके आ गए, सबसे पहले पानी वगैरह मिलेगा सबको और उसके बाद दाल भात। और यहाँ पे कुछ लड़कियाँ बैठे हैं, ये अभी तक इधर देख रहे थे, हंस रही थी हमें देख के, और अभी देखो मुंह छिपा रहे हैं यहाँ पे कर क्या रहे बोल। जैसे इन्होंने कभी दाल भात नहीं खाया बैठ के, इनको शर्म आ रही यहाँ पे। और यहाँ पे दूल्हे के दीदी और जीजा बैठे हैं, इनको बहुत ज्यादा भूख लगी। मीठा भात बोल तो अभी सबके पास आए मीठा भात, उसके बाद आएगा दाल चावल, पहले ये खा लेते जल्दी से, उसके बाद दाल चावल खाते जल्दी से। सभी हम लोगों ने भी खा लिया खाना, सो चलते वापस से जहाँ पे मुकेश भाई है, बोले तो दूल्हे राजा, सो वहीं पे चलते जल्दी से। और सब ऐसे देख रहे हैं मेरे को इधर से लेफ्ट से राइट से, यहाँ से मच्छर पैंट फड़वाएगा अपनी, वैसे इधर टाइट पैंट है। यही मंडप में चलेगी ना अभी, जहाँ पे फेरे वगैरह होंगे। पांचवें वचन में कन्या कह रही है कि देवालयों राव लगा सके या कहीं देव मंदिर का जनक, या औरतों की आदत क्या होती है थोड़ा ज्यादा बोलने की होती है, आज में उनकी कम होती है, तो वो कम क्या वो एक ही बार में बोलते हैं, लेकिन बोला 100 सोनार की और 1 लुहार की एक कहावत है। दो आपने किए भी है कि मतलब चिंतान कदम चित्तम सदा मम ज्ञान परिपालनम च पतिव्रता धर्म परायणत्वं कुर्या सदा मिमं प्रयत्नम। तो फेरे वगैरह भी हो गया और अब इसके बाद शायद टीका वगैरह लगाएंगे बर और वधू को, दूल्हे दुल्हन को, और उसके बाद हम लोग भी निकलते हैं यहाँ से। सो बहुत ही हसीन सुंदर सुंदर वादियाँ यहाँ से दिखाई दे रही है, सामने पे चौखंबा पर्वत और कौन सा ये वो केदारकांठा, केदारकांठा भी दिखाई दे रहा है यहाँ से। सो ये केदारकांठा जो सामने पे दिखाई दे रहा है और पीछे स्नोफॉल भी दिखाई दे रहा है, और इस साइड पे भीड़ आई है केदारकांठा। सो एक बस यहाँ से निकल चुकी है, बट मैंने भी उसी में जाना था, बट उसी से मैं खाना खाया और सुबह से मेरे को ना बस में आते वक्त तो वॉमिटिंग हुई, इसलिए मैं गया नहीं, पहले खाना थोड़ा सा फंस जाए फिर चलते हैं उसके बाद थोड़ी देर में, नहीं तो पता नहीं अभी क्या होने वाला है जाते वक्त। सुबह कुछ ही देर बाद बारात भी निकल जाएगी, आधा घंटा समथिंग। और तो सुबह हम ना काफ़ी जल्दी आ गए थे, 11 बजे हम नीचे पहुँच गए थे रोड में, 12 बजे समथिंग घर पे पहुँच गए थे। अभी शाम को जाते जाते शायद 6-7 बजे तो पहुँच जाएंगे हम इजीली, 7:30-8 बजे पहुँचेंगे, तभी बहुत टाइम है उसके बाद। और ये है शादी वाला घर, मुख्य से ससुराड़े का है। अभी हमने एक एक किन्नू तोड़े यहाँ पे, सो खाते बहुत खट्टे हो रहे हैं, टेस्ट करते कैसे हो रहे हैं।
फिर हो गए दान कर। क्या मस्त स्नो गिरा हुआ है मेरे पीछे, हमने भी टपाए इधर इस पेड़ से, किसी को पूछा भी नहीं हमने, क्योंकि इतने सारे यहाँ पे लोगों को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ऐसे झड़ रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे, और कोई ऐसे बोलेगा ना चोरी करके ले जा रहा है। गिफ्ट्स मिले थे हम लोग यहाँ पे पैक कर रहे थे मैं और रोहित, और यहाँ पे भी जो है टीका वगैरह लगा रहे हैं और कैश जमा कर रहे हैं यहाँ पे लड़कियाँ, देखो इनको लड़की की साइड से उधर लड़कों की साइड से दीदी बैठी है। बारात वापस यहाँ से निकल चुके दुल्हन को लेके, और ये जो पल होता है ना बहुत ही मतलब इमोशनल वाला पल होता है जब दुल्हन अपना घर छोड़ के दूसरे घर में जाती है। 4:38 हो रहे हैं सुख है, ऐसे बड़ा सा बैग इसके अंदर गिफ्ट्स वगैरह हैं, मैं और रोहित लेके जा रहे हैं, एक हाथ से मैंने पकड़ा हुआ एक हाथ से रोहित ने, और रमजान हमारे आगे जा रहे हैं दूल्हे राजा दुल्हन को लेके आगे आगे। मैं और रोहित आई शॉर्टकट जगह से जहाँ सुबह गए थे हम, और शाम को वहीं से आई हमारे पास बैग था, इस वजह से हम आते वक्त भी वहीं से आए, और अभी बारात और देखो सामने से आ रही है, और चलते बस अभी सब लोग बैठते हैं और फिर चलते हैं यहाँ से। सो 5:45 यहीं पर हो गया, उससे 4:30 निकले थे हम, तो टाइम लग जाता है बारात में, अगर आप सिंगल या एक दो आदमी कहीं जा रहे हो तो उसमें तो टाइम नहीं लगता है, क्योंकि बारात रुक रहे कहीं पे फिर चल रहे फिर रुक रहे ऐसा हो रहा है। फिर ए बड़ी कैसे लग रहा है, अभी ये ध्यान दे रहा हमारे पे। गाइस अभी हम बैठ चुके हैं बस में, ओए क्या देख रहा है पीछे से ऐसे ध्यान से देख रहा है, 50 रुपए हाथ भी ला ले 50 रुपए। तो चलते गाइस सीधा भी हम मिलेंगे सीधा घर पे, क्योंकि वीडियो जो बहुत बड़ा होने वाला है इस वजह से थोड़ा देवप्रा का दिखा अंधेरा हो जाएगा, दिखाएंगे 5:30 यहीं पे हो गए अंधेरा मिले थोड़ा दिखाएंगे आपको, चल तूने बोले तो दिखाएंगे, बट मार्केट संगम तो मुश्किल ही दिखेगा सुबह, संगम नहीं दिखेगा, आते वक्त भी नहीं दिखा जाते वक्त, थोड़ी कोशिश करेंगे पूरे की दिखाने की कोशिश करेंगे, तो चलो मिलते सीधा। बट मैं ये बोल सकता हूँ कि हम लोग पक्का जाते हुए ऊपर साइड रहेंगे, हम ऊपर साइड रहेंगे जी, तो गाइस हमें इस साइड बैठना पड़ेगा, चलते उस साइड। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं घर, सो आपको मैंने देवप्रयाग में जो सीन दिखाया थोड़ा सा लाइटें वगैरह दिख रही थी, और अब चलता हूं मैं घर, उसके बाद राहुल भी आएगा मेरे साथ, चेंज करके आता हूं, मैंने व्हाइट पैंट पहनी नहीं तो शाम ना डांस करते वक्त ऐसी तैसी हो जाएगी। फिर अभी तो पहुंच गए घर पे, बट यहाँ पे लॉक हुआ है, मम्मी जा रखी है ऊपर शादी में, पापा भी वहीं पर, मम्मी ने यहाँ पर लॉक किया और मैं ध्यान नहीं रहा नीचे आते वक्त चाबी लेने की, सो अभी अभिषेक गया, अभिषेक और आज घर आया एन जी ओर, सो अभिषेक जा रहा था ऊपर तो कुछ काम से, फिर वो लेके आ जाएगा चाबी, उसको बोल दिया मैंने, और राहुल इधर खड़ा है बेबी डॉल। सो अभी अपन रेडी हो चुके हैं, चेंज वगैरह हो गया, सो मैं और पीछे अभिषेक और राहुल गया वॉशरूम, चलते हम तीनों ऊपर। सो टाइम अभी 8:40 हो गया, सो 8:15 पहुंच गए थे हम, सो मैंने फ़ोन जो है चार्ज पर लगाया था, और अभी पावर बैंक लेके जा रहा हूँ साथ में, सो चलते ऊपर से आते हैं हम सीधे जा रहे हैं खाना खाने के लिए, 9 बजने वाला है तो पहले खाना खा लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा बहुत हेल्प करते हैं उसके बाद खाएंगे हम लोग, तो सोनी जल्दी। बिना तुम खाने लगे इतने जल्दी,
खाना वगैरह हो गया, अब चलते हैं डांस करने के लिए, उसके बाद सीधे घर जाएंगे रिसेप्शन बाद में, वो देखते हैं होगा रिकॉर्ड या नहीं। अभी हम आ चुके हैं घर, यहाँ पे सब बैठे हैं, चाचा चाची मम्मी और पापा यहाँ पे देखो, और पापा बोले राहुल और अभिषेक जा रखे नीचे। सो चलिए ब्लॉग को एंड कर लेते हैं, आई होप आपको आज वाला ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। पहाड़ी भाई मनीष, जल्द मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।